आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। तो कैसे दोस्तों आप लोग, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये हमारी काइन मास्टर का सेकेंड पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि काइन मास्टर पर आप लोगों को क्या क्या वीडियो एडिटिंग टूल देखने को मिलते हैं, उसकी प्रॉपर जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी थी आप लोगों को कि क्या क्या वीडियो एडिटिंग टूल आप लोग काइन मास्टर ऐप पर देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख के आप जान सकते हो कि आपको काइन मास्टर ऐप पे कौन कौन से वीडियो एडिटिंग टूल देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है। आज की वीडियो में हम आपको मीडिया टूल के बारे में बताने वाले हैं, जो कि काइन मास्टर में आपको जो मीडिया टूल देखने को मिलता है दो जगह पे, एक तो लेयर मिलता है, एक ऊपर ही आपको फ्रंट मिल जाता है। तो इन दोनों का क्या यूज होता है या किस तरह से आप लोग अपनी वीडियो एडिटिंग में इन दोनों मीडिया टूल का यूज कर सकते हो, वो आपको आज की वीडियो में बताने वाले दोस्तों। प्रॉपर चीज बताएंगे इस मीडिया टूल के बारे में कि किस तरह से आपको मीडिया टूल सेट करना है, किस तरह से आपको मीडिया का यूज करना है जिससे कि आपकी वीडियो काफी अच्छी एडिटिंग हो पाए दोस्तों। तो दोस्तों प्रॉपर जानकारी देंगे आप लोगों को मीडिया टूल के बारे में जिससे आप काफी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोगों को मीडिया टूल का यूज करना है अपने वीडियो के अंदर जिससे कि आप लोग काफी बेटर वीडियो एडिटिंग कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों काइन मास्टर ऐप में जो आप लोगों को दो जगह पर मीडिया दिखा देता है उनका क्या यूज है या फिर इन दोनों मीडिया के बीच में क्या डिफरेंस है, वही दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखो फ्रंट में एक मीडिया दिखाई देता है आप लोगों को और एक लेयर के अंदर आपको मीडिया दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रंट वाले मीडिया के बारे में बताते हैं कि फ्रंट वाले मीडिया से आप लोग किस तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आप जब भी काइन मास्टर ऐप को ओपन करते हो तो आपको फर्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मीडिया वाला ऑप्शन ओपन मिलता है, बाकी आपको लेयर वाला, रिकॉर्डिंग वाला और ऑडियो वाला ऑप्शन बिल्कुल बंद मिलते हैं। जैसे आप मीडिया पर क्लिक करते हो तो आपके सामने आपकी फाइल ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस वगैरह यहाँ पे शो होती है। और साइड में आपको तीन ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, इमेज आर्टिस्ट का, वीडियो आर्टिस्ट का और फेवरेट का। इमेज आर्टिस्ट में आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं और बाकी आपको फ़ोटोज़ की वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलती है नीचे की तरफ को। तो यहाँ से हम एक बैकग्राउंड को इमेज को ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वाली बैकग्राउंड इमेज ले ली है, देख सकते हो। अगर आपने कोई वीडियो आप प्लस बाय प्लस करके वीडियो बनाना चाहते हो या फिर प्लस बाय प्लस करके आप वीडियो को एक साथ जोड़ के और उसके अंदर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो वो आप मीडिया की हेल्प से कर सकते हो। तो आपको दिखाता हूँ आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो मीडिया की हेल्प से। तो जैसे कि मैंने बैकग्राउंड इमेज ले लिया है, इसके अलावा अगर मैं किसी फोटो या फिर किसी बैकग्राउंड इमेज को प्लस करता हूँ तो वो इसके आगे प्लस होती चली जाएगी, देख सकते हो। इसके अलावा मैं चाहूँ कि वीडियो लेना चाहता हूँ तो वीडियो भी लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप प्लस बाय प्लस वीडियो या फोटोज आप प्लस कर सकते हो मीडिया की हेल्प से। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने ये वीडियो है, ये वीडियो यहाँ पे है, इसके बीच में अगर मैं चाहूँ कि मेरे वीडियो को ऊपर में कोई फोटो शो हो तो वो आप मीडिया की हेल्प से नहीं कर सकते, देख सकते हो। जैसे मीडिया पे क्लिक करता हूँ और मीडिया पे क्लिक करने के बाद मैं कोई इमेज लेता हूँ, देख सकते हो वाली इमेज लेता हूँ ये वाली, तो देख सकते हो बिल्कुल फ्रंट में प्लस हो गई है, ये वीडियो को ऊपर प्लस नहीं हुई है। तो ये भी आप नहीं कर सकते मीडिया में। मीडिया में आप इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें लेयर नहीं बनती है, लेयर आपको लेयर में जो मीडिया होता है उसके हेल्प से आप लेयर बना सकते हो। तो अगर आप किसी वीडियो के बीच में अगर आप किसी वीडियो के ऊपर आप फोटो या फिर किसी और वीडियो को चलाना चाहते हो तो आप मीडिया में नहीं चला सकते हो, लेकिन अगर आप प्लस बाय प्लस करके वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप मीडिया में कर सकते हो। जैसे ये वीडियो है, इसके आगे अगर मैं और भी फोटो प्लस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करना होता है, ये टाइमिंग वाला एरो होता है ऑरेंज कलर का, ये आपको वीडियो के हिसाब से लेके आना है। अगर आप वीडियो के आगे किसी फ़ोटो को प्लस करना चाहते हो तो आपको आगे लेके आना है इस एरो को, और आगे लाने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी फोटो या फिर किसी वीडियो को अगर आप प्लस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इस वाली इमेज को प्लस कर लेता हूँ, देख सकते हो ये वीडियो के फ्रंट में प्लस हो गई है आगे की तरफ को। अगर इसके एंड में मैं किसी फ़ोटो या फिर किसी वीडियो को प्लस करना चाहता हूँ तो इस एरो को एंड में लाना है, और एंड में लाने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप किसी फ़ोटो या फिर किसी भी इमेज को प्लस कर सकते हो उसके एंड में। तो इस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को प्लस बाय प्लस करके एडिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीडियो के बीच में किसी इफेक्ट्स को या फिर किसी एनिमेशन को लगाना चाहते हो तो आप किस तरह से लगा सकते हो, तो देख सकते हो दोस्तों जब भी आप किसी वीडियो को प्लस करोगे तो वहाँ पे आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा, देख सकते हो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है। और इसके अलावा जो हमने आगे तीन चार बैकग्राउंड और प्लस करे थे उनमें प्लस का सिंबल आपको दिखाई देता है। तो जैसे आप प्लस के सिंबल पर क्लिक करोगे, प्लस के सिंबल पर जैसे आप क्लिक करोगे उसके साइड में आपको लिस्ट खुलेगी, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो अपने वीडियो के बीच में। तो किस तरह के इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये देख सकते हो इस टाइप का इफ़ेक्ट्स यहाँ पे शो होते हैं, जब भी आपके बैकग्राउंड एक बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड में स्विच होगी आपकी वीडियो वहाँ पर आपको इफ़ेक्ट शो होगा, या फिर एक वीडियो से दूसरी वीडियो में अगर स्विच होगी आपकी वीडियो तो वहाँ पर आपको इफ़ेक्ट शो होगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं।
काफ़ी लंबी लिस्ट है इफेक्ट्स की, यहाँ पे आप काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप वन बाई वन करके अपने हिसाब से किसी भी इफेक्ट्स को लगा सकते हो देख के। अगर आप टेक्स्ट में इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो वो भी इसको ऑप्शन में आपको यहीं देखने को मिल जाता है। जिससे सेकंड वाला आपको टेक्स्ट वाला मिल जाता है, यहाँ पर आप टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से आपको टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं टेक्स्ट के भी। यहाँ पर आप किसी किसी इफेक्ट्स में टेक्स्ट के आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, देख सकते हो टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर आप दोनों चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट में काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स और देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अगर आप किसी फोटो एल्बम बना रहे हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के, देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों किसी किसी इफेक्ट्स में आपको साइड में थ्री डॉट के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ और चेंजिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके हेल्प से आप लोग किसी इफेक्ट्स के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हो, देख सकते हो। इस तरीके से आपको चेंजिंग ऑप्शन मिल जाते हैं इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इफेक्ट्स के। 3D में इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो आप। क्लासिक इफेक्ट्स भी देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स के कलर भी चेंज कर सकते हो आप, देख सकते हो कलर का ऑप्शन भी आया हुआ है यहाँ पर। तो आप किसी इफेक्ट्स के बीच में अगर कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के बीच में इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो जितने प्लस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं आप सभी प्लस के अंदर इफेक्ट्स लगा सकते हो। ऐसे नहीं दोस्तों को एक के अंदर ही लगा सकते, आप जितने ही इसके अंदर प्लस नज़र आ रहे हैं आपको आप सबके अंदर इफेक्ट्स लगा सकते हो। इसके अलावा अगर इफेक्ट्स को आप रिमूव करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, तो आपको जहाँ से आपने इफेक्ट्स लगाया था वहीं से आप लोग इफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हो। इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, उसके ऊपर नन पर क्लिक करना है। लिस्ट के ऊपर में आपको नन दिखाई देगा, नन पर ऐसी नन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपका इफेक्ट्स रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आप जब भी इफेक्ट्स लगाओगे तो आपको साइड में टाइमिंग एक ऑप्शन मिलती है, 0.1 0.5 इस टाइप का ऑप्शन मिल रहे हैं साइड में। इससे क्या है कि अगर आपकी इफेक्ट्स की टाइमिंग है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका इफेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाए वीडियो के बीच में से तो उससे आप आपको टाइमिंग से कम कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो आपके इफेक्ट्स काफ़ी देर तक शो हो वीडियो के बीच में तो यहाँ से आप उसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हो। तो देख सकते हो जितना टाइमिंग बढ़ा रहे हो तो स्लो चल रहा है इफेक्ट्स, और जितना टाइम कम कर रहे हो तो जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने इफेक्ट्स की टाइमिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मीडियम में आप क्लिक करने के बाद आप प्लस बाय प्लस करके वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और उनके बीच में आप इफेक्ट्स लगा सकते हो। इसके अलावा जब भी आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको साइड में लिस्ट खुलती है, यहाँ पे आप वीडियो का स्पीड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, वीडियो का रिपेयर स्पीड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लिस्ट है, इनको हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या 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 यूज़ है। जब भी आप मीडिया पर किसी वीडियो को प्लस करके और वीडियो का अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो उसके अलावा अगर साइड में आपको क्या क्या एडवांस में आपको एडिटिंग टूल्स देखने को मिलते हैं वो आपको आगे की वीडियो बताने वाले दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग फ्रंट वाले मीडिया होता है उसका यूज़ करके आप प्लस बाय प्लस करके वीडियो को अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो और वीडियो के बीच में आप इफेक्ट्स लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब जानते हैं लेयर के बारे में कि लेयर से आप लोग किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि वीडियो के बीच में आप लोग किसी फ़ोटो को नहीं लगा सकते अपनी, अगर आप फोटो लगाते हो तो या फिर वो वीडियो को स्टार्टिंग में प्लस हो जाएगी या फिर वीडियो के एंड में प्लस हो जाएगी। तो वो आप किस तरह से लगा सकते हो वो भी दोस्तों इसी वीडियो बताते आगे। तो अब जल्दी से हम लेयर से जानते हैं कि लेयर से आप लोग किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग फ्रंट में मीडिया तो उसका किस तरह से आपको यूज़ करना है। फ्रंट की मीडिया से आप लोग प्लस बाय प्लस करके वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, उसके बीच में आप इफेक्ट्स लगा सकते हो दोस्तों। अब जानते हैं लेयर के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आप जब भी लेयर में वीडियो एडिटिंग करने जाओगे तो आपको फर्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलता है। आप डायरेक्ट लेयर में वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक बार मीडिया का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि मीडिया में क्या होता है कि आपको एक बार बैकग्राउंड इमेज को लेना पड़ता है जब जाके आप लेयर में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड इमेज और एक वीडियो को ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने वाइट बैकग्राउंड ले लिया है और अपनी एक वीडियो ले ली है, देख सकते हो मैंने एक वीडियो ले लिया है। तो वीडियो देख सकते हो इसके आगे प्लस हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे लेयर का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो जब भी लेयर में क्लिक करके उसके बाद मीडिया में ऐसे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने वैसे ही फाइल खुलती है जैसे आपको मीडिया में फाइल खुलती है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे मीडिया में देखने को मिलते थे। जैसे माने चलिए मेरे को वीडियो के बीच में एक फ़ोटो लगानी है तो वो आप लेयर की हेल्प से लगा सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ से एक ये वाली फ़ोटो ले ली है, तो देख सकते हो यहाँ पर फोटो लग चुकी है। पीछे का बैकग्राउंड है वो भी रह गया है और ऊपर से मैं इसके ना फोटो भी लगा चुका हूँ। इस तरीके से आप लोग लेयर की हेल्प से किसी वीडियो के ऊपर फोटो लगा सकते हो या फिर किसी बैकग्राउंड के ऊपर आप फोटो लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा मेरी वीडियो भी साइड में शो हो तो वो भी आप लेयर की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना और इसके अलावा फिर आप वीडियो को प्लस कर देना। तो देख सकते हो यहाँ पर साइड में फ़ोटो भी आ गया है और पीछे का बैकग्राउंड भी आ गया है। जो मैंने बैकग्राउंड लिया था लेयर की हेल्प से वो भी आ रहा है, उसके अलावा जो बैकग्राउंड लिया था मैं मीडिया की हेल्प से वो भी आ रहा है इसके अंदर।
तो नीचे आप देख सकते हो ऊपर वाला ये लाइन है, यह है मीडिया वाइज लाइन, और नीचे वाली ये लाइन है, यह है लेयर वाइज लाइन। लेयर बाई लेयर आपकी फ़ोटो आपकी वीडियो प्लस होती चली जाएंगी, आप जितनी वीडियो या आपकी जितनी फ़ोटोज आप प्लस करोगे। तो इसके अलावा मैं और ही फ़ोटो और ही वीडियो लगा सकता हूँ, देख सकते हो एक और बैकग्राउंड इमेज ले लिया मैंने यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अगर जो भी आप बैकग्राउंड इमेज या फिर जो भी आप फ़ोटो लोगे या फिर जो आप वीडियो लोगे उनका साइज आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो थोड़ा बड़ा दिखाना है तो बड़ा दिखा सकते हो, या चाहते हो छोटा छोटा दिखाना है तो वो दिखा सकते हो। लेकिन आप अगर मीडिया से जो फ्रंट का मीडिया होता है ये वाला, इसके हेल्प से अगर किसी वीडियो या फिर किसी फ़ोटो को लेते हो तो वहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन आपको लेयर में अगर आप मीडिया का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग लेयर में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप काफ़ी चीज़ें एक जगह पर दिखा सकते हो लेयर की हेल्प से। इसके अलावा दोस्तों अगर लेयर में ऐसे हमने ये वाली वीडियो ले ली है, आप नीचे आपको ब्लू रंग का एक बैकग्राउंड इमेज शो हो रहा है, अगर मैं इसके आगे कोई बैकग्राउंड और प्लस करता हूँ, देख सकते हो लेयर में जाने के बाद मैंने एक बैकग्राउंड प्लस कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस वाले बैकग्राउंड को प्लस कर लिया है तो इसका क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स नहीं लगा सकते हैं। लेयर में आप लोग इफ़ेक्ट्स नहीं लगा सकते, आपको ये ऑप्शन सिर्फ मीडिया में देखने को मिलता है, आपको लेयर में इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आपको लेयर में एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप एनिमेशन किस तरह से लगा सकते हो। जैसे आप वीडियो पर क्लिक करोगे वैसे साइड में लिस्ट खुलेगी तो ऊपर आपको ऑप्शन आएगा एनिमेशन इन का, एनिमेशन आउट का, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ से आप लोग एनिमेशन लगा सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स नहीं लगा सकते। जहाँ तक कि आपको मीडिया में आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो और लेयर में आप लोग एनिमेशन लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग मीडिया में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और इस तरह से आप लेयर में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आप वीडियो को क्लिक करते हो तो वैसे आपको ऑप्शन अलग देखने को मिलते हैं। जैसे आप मीडिया में अगर आपने किसी वीडियो पर क्लिक करा तो यहाँ पर आपको स्पीड का, रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे अगर आप लेयर में जो आपने वीडियो लिया है और उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एनिमेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कुछ स्पीड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और रिवर्स के ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। थोड़े बहुत चेंजिंग मिलते हैं, जो एडवांस सेटिंग होती है मतलब एडवांस जो टूल होते हैं उनके अंदर आपको चेंजिंग देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी वीडियो और भी चीज़ें प्लस करना चाहते हो तो आप लेयर की हेल्प से कर सकते हो, और लेयर बाय लेयर अपनी वीडियो के बीच में आप काम कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों मैंने ये एक बैकग्राउंड इमेज और ले लिया, इस तरीके से देख सकते हो काफ़ी सारी लेयर बन चुकी नीचे। तो लेयर बाय लेयर आप लोग काम कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो लेयर में आपको मीडिया देखने को मिलता है उसमें क्या है कि आप वन बाय वन करके काफ़ी सारे लेयर बना सकते हो, और लेयर बाय लेयर आप अपनी वीडियो के बीच में काम कर सकते हो। लेकिन अगर मीडिया से आप डायरेक्ट मीडिया से किसी वीडियो को प्लस करते हो तो उसमें आप लोग लेयर नहीं बना सकते और उसमें लेयर बाय लेयर आप काम नहीं कर सकते। जैसे आप मान चलिए किसी वीडियो के बीच में आपने इधर आपकी साइड में आपकी वीडियो चलती रहे और ऊपर आपकी फ़ोटो भी शो हो साइड में, तो वो आप लेयर की हेल्प से कर सकते हो, आप वो मीडिया की हेल्प से नहीं कर सकते। और आप चाहते हो कि आपकी वीडियो में इफ़ेक्ट्स नज़र आए और वीडियो डायरेक्ट चलती रहे उसके बीच में कुछ भी शो ना हो, तो वो आप मीडिया की हेल्प से कर सकते हो, उसमें आप बीच में इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो। तो इफ़ेक्ट्स के लिए आप लोगों को मीडिया का यूज़ करना है जिसमें आप इफ़ेक्ट्स लगाना चाहोगे अगर अपनी वीडियो में, और अगर आप लेयर में वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लेयर में यूज़ करना है। और लेयर में आप मीडिया का यूज़ करके आप एक ही वीडियो पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ काफ़ी सारी वीडियोज़ आप एक साथ चला सकते हो, या फिर कह दीजिए एक ही बैकग्राउंड पे आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ दिखा सकते हो आप लोग। तो इस तरह से आप लोग को लेयर और मीडिया का यूज़ करना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा लेयर और मीडिया के बारे में कि किस तरह से आपको मीडिया का यूज़ करना है और किस तरह से आपको लेयर में जो मीडिया देखने को मिलता है उसका यूज़ आपको किस तरह से करना है दोस्तों। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों दोनों मीडिया के बीच में कि जो अगर लेयर में जो मीडिया होता है उसकी हेल्प से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ दिखा सकते हो, लेकिन आपको मीडिया फ्रंट में जो मीडिया शो होता है उसमें आप लोग एक बार में एक ही चीज़ को दिखा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है मीडिया और लेयर वाले मीडिया के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि किस तरह से आप लोगों को लेयर वाला मीडिया या फिर फ्रंट वाले मीडिया का यूज़ करना है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आगे वीडियो में हम आप लोगों को और भी टूल्स के बारे में बताएंगे जो इसके अंदर के एडवांस टूल होते हैं। जैसे ये देखते हो ये एडवांस टूल जो होते हैं लेयर वाले मीडिया वाले, तो इनके बारे में हम आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे समझ में आओगे कि दोनों मीडिया का क्या यूज़ है या फिर इन दोनों मीडिया में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग मीडिया का यूज़ करके अपनी वीडियो काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको मीडिया के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको लेयर्स, किस तरह से बैकग्राउंड, किस तरह से आपको इफेक्ट्स लगाने अपनी वीडियो के ऊपर, वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम आपको और भी टूल्स के बारे बताने वाले हैं जिससे कि आपको वीडियो एडिटिंग करने में आसानी रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना, इसके साथ दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
ताकि जैसे हम आगे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द लेकर आता हूं आपके नए वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।